हम समझते हैं कि इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आप इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण कोसीवासी के तरफ से आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं और बहुत खुशी है कि आपने स्वयं से जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को आप के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्वविद्यालय पर आपका ध्यान है, हमको लगता है कि यह बीएन मंडल विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रगति के राह में आगे बढ़ेंगे। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं महामहिम कि आपने जिस प्रकार के सुयोग्य व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में आपने दिया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इनके इतने दिन के कार्यकाल में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अराजकताएँ हैं उसको कम करने का जो इन्होंने जो प्रयास किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक दो विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बहुत विषय हमारे संजीव भाई जी रखे हैं कि जो सेवांत लाभ है, जो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक रिटायर करने के बाद, कई ऐसे महामहिम ऐसे हमारे पास लोगों का आया है कि रिटायर करने के बाद जो उनको 10 लाख रुपया ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनका देहांत भी हो गया और इसके बाद भी हाई कोर्ट से आने के बाद, सरकार से आने के बाद लगातार 3-3 बार हम पत्र दिए हैं। बड़ी दुख होता है महामहिम आप हैं, इसीलिए ये बात हम लोग बोल रहे हैं, एक पत्र का यहाँ से विश्वविद्यालय से जवाब तक नहीं दिया जाता है। ये बड़ा दुखद होता है कि क्यों आप इसको रोके हुए, उसको तो और नहीं रोकना, इतना बड़ा बड़ा 8 अरब से अधिक का बजट है और आप कौन देख रहे थे, हमको लग रहा है कि 49-50 करोड़ रुपया तो आप शिक्षकेतर कर्मचारी के सेवांत लाभ के लिए आप दिए हुए, लेकिन उसको नहीं दिया जाना, ये बड़ा हमको लगता है कि दुखद है। इस पर महामहिम है, हमको लगता है कि इसकी चर्चा इसलिए हमने किया। इसमें कई महीने से लगातार यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा हड़ताल किया गया, उसको अब ये आदेश दिया गया है काम करने के लिए, अभी भी वो दोयम दर्जा में यहाँ काम कर रहा है, तो हमारा ये भी आग्रह है कि उसको भी, चूंकि इतने दिन से यहाँ वो काम किया और हमको लगता है कि उसका भी, उसकी भी नौकरी को जो सब लोगों के साथ जिस प्रकार से दिया जा रहा है वो उनको मिलना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और विश्वविद्यालय में जो इतना ज़्यादा विश्वविद्यालय का खर्च, हम समझते हैं लीगल में जो खर्च है, आप देखिएगा बजट, हमको लगता है कि यदि उसके उसका समाधान इस स्तर से यहाँ होता तो हमको नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कोर्ट जाने की आवश्यकता होती, तो हमको लगता है कि उस पर भी विश्वविद्यालय को ध्यान देने की आवश्यकता है। यही 2-3 बातों को कहते हुए आप यहाँ आए और आज के का जो बजट पेश हुआ, हम सब लोग मिलकर के इस बजट को के समर्थन में अपनी बात को रखते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।